अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.8 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ स्केयर ऑफ टू डिजिट, यानी सम ऑफ स्केयर ऑफ टू डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी पॉजिटिव जो इंटीग्रल का टू डिजिट का सम का स्केयर है, दिस इज 65 एंड द नंबर ऑफ 9 टाइम सम ऑफ डिजिट, यानी देयर नंबर इज 9 टाइम सम ऑफ डिजिट। आप डिजिट का सोल्यूशन करें, लेट एक्स वाई बी द नंबर, यानी हमने एक्स वाई नंबर ले लिए, वेयर यूनिट डिजिट इज़ वाई एंड 10 डिजिट इज़ एक्स। यानी आपने अक्सर देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे 35 लिखूं और इसमें ये मैं 1 होगा और यूनिट 10 होगा, 1 एंड 10, तो आपने देखा 1 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100, फिर 1000। उर्दू में आपने देखा होगा काई दाई सैकड़ा एंड 1000, मीन्स के ये जो x है और y है, x जो है जो हमने देखे x y दी नंबर, वेयर यूनिट डिजिट इज़ y, ये जो y है यूनिट डिजिट है, और ये जो x है दिस इज 10, ये यूनिट 1 और दिस इज 10, x y इज़ यूनिट डिजिट, x इज 10, तो y इज डिजिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो हमारे पास क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की, तो सम ऑफ स्केयर ऑफ टू डिजिट, यानी टू डिजिट हैं, एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई है, और उनका हमने सम भी करना है और स्केयर भी करना है, जो किसके इक्वल आ जाएगा 65। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे वो कहता है एंड सम ऑफ 9 टाइम्स, यानी हमने एक्स और y को ऐड करना है और किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 9 के, तो दिस इज़ हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y। ये कहाँ से आया कि x इज़ 10 और जो y इज़ यूनिट, हमने y को यूनिट लिया और ये जो x है इसको हमने 10, उसी एग्जांपल मैंने दी 35 इज़ 1 एंड 3 इज़ 10, जैसे हम 1, 10, 100, 1000, दिस इज़ 1 इज इक्वल टू, और वो कहता है 9 ले 9 टाइम और ऐड किसको करें कि जो जिन हमने लिए नंबर एक्स प्लस वाई। अब इसको हम सॉल्यूशन करें, तो दिस इज 10x प्लस वाई, 9 मल्टीप्लाई करें, 9x प्लस 9 को y से मल्टीप्लाई करें तो 9y। अब हम x वाले एक से ऐड करेंगे, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 9y, और ये y है तो माइनस वाई हो गया, यानी हमने एक्स वाले एक साइड वाई वाले एक साइड 10x माइनस 9x करें, दिस इज एक्स, 9 माइनस 9y माइनस वाई करें और दिस इज 8y। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमें एक्स की वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू 8y पुटिन इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। अब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 8y पुट कर देंगे, दिस इज 8y का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 65। अब 8 का स्केयर करें, डैट इज 64, y 64 y स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 65, 64 प्लस y स्केयर डैट इज 65, y स्केयर इज इक्वल टू 65। ये 65 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा y स्केयर इज इक्वल टू 65, और 65 कैंसिल करें तो ये बन जाएगा y स्केयर इज इक्वल टू 1, अंडर रूट लेंगे वो साइड पे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। दिस इज वैल्यू ऑफ y।
अब जो y की वैल्यू है तो यहाँ पे आप इक्वेशन वन के अंदर पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब मैं x y की जगह पॉजिटिव इंटीजर है तो वन पुट करूँगा तो ये बन जाएगा x के y की जगह वन का स्केयर इज इक्वल टू 65। प्लस माइनस y करें तो ऊपर इवन नंबर है तो माइनस है तो प्लस वन, तो ये आ जाएगा x स्केयर इज इक्वल टू 65 माइनस वन, x स्केयर इज इक्वल टू 64। अंडर रूट लें बोथ साइड पे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 8 का स्केयर, दैट इज कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी स्टेटमेंट है सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यानी सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। इसका हम लेट करें, लेट एक्स एंड वाई बी दिस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी जो एक्स और वाई है ये सम ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है। वो कहता है इनके जो सम है, दिस सम इज 9 एंड जो सम का स्केयर है वो 45 हो, द फाइंड टू कोऑर्डिनेट। अब जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर, जो कंडीशन गिवन है हमें, वो कहता है कि x प्लस y यानी दो कोऑर्डिनेट हैं, इनका सम 9 के इक्वल है, दिस इज इक्वेशन वन, और जो इनका स्केयर है, सम का स्केयर विच इज़ 45, तो हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू। अब यहाँ मैं इक्वेशन वन से x की वैल्यू निकालूँगा और इस इक्वेशन टू के अंदर पुट करूँगा, दिस इज़ 45। अब फ्राम दिस इक्वेशन वन मैं वन के अंदर से x की वैल्यू निकालूँगा तो ये y है, 9 है, प्लस y है, माइनस y, पुट इन इक्वेशन टू। अब जो इक्वेशन टू हमें गिवन है, x की जगह मैं पुट कर लूँगा 9 माइनस y का होल स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 45। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन टू के अंदर पुट कर दी। अब यहाँ पे मैं a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करूँगा, ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, दिस इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू, वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू y है, तो दिस इज y स्केयर इज इक्वल टू 45। अब मैं 9 का स्केयर करूंगा तो ये बन जाएगा 81 प्लस y स्केयर माइनस 9 और 2 18y प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 45। अब ये स्टूडेंट मैं करूंगा y स्केयर प्लस y स्केयर, y और y, ये बन जाएगा 2y स्केयर और उसके बाद माइनस 18y और उसके बाद 81 माइनस 45, ये प्लस 45 है तो माइनस 45 होगा इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2y स्केयर माइनस 18y प्लस 81 माइनस 45 करें तो ये बन जाएगा 81 45, और यहाँ पे बन जाएंगे 7 और 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं 2 की वैल्यू जो है कॉमन ले लूँगा, तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने हैं, प्लस माइनस करो, 9 आए मल्टीप्लाई करो, 18 आ जाए, 6 और 3 अवश्य बनेंगे, तो वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं y कॉमन ले लूँगा, तो जब मैं y कॉमन लूँगा तो y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन लूँगा, y माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू सेम है, वन टाइम लिखेंगे y माइनस 6 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एक y की वैल्यू बनेगी 6 और दूसरी y की वैल्यू बनेगी 3। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो आ गई कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फाइंड करने थे, अब हमें y की वैल्यू आ गई, हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। हम फ्राम इक्वेशन वन लेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 9, x की जगह पहले 6 पुट करेंगे, यहाँ पे y की जगह पहले 6 पुट करें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6,
9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और इसमें जब y की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, तो जब हम दूसरी 3 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y की जगह x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 6। फाइनली जो आंसर हमारा आया है तो वो x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की, y की 6 आई, फिर हमने x की जगह, जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो y की वैल्यू ये था x की 3, x की 3 पुट की, y की 6 आई, जब हमने y की 3 पुट की तो x की 6 आई। ये रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड टू इंटीजर, हमने टू इंटीजर फाइंड करने हैं हुज सम इज 9 एंड डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस है स्केयर का आल्सो 9। तो सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, हम लेट कर लेंगे, लेट x एंड y बी टू इंटीजर्स। x और y हमने टू इंटीजर ले लिए, तो अब गिवन कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी उसमें वो कहता है कि दो का सम करें, दो इंटीजर यानी एक x है एक y है, उसका 9 है, दिस इज इक्वेशन 1, और उनका जो स्केयर है और उसके बाद जो ये डिफरेंस है ये किसके इक्वल है, आल्सो 9। तो हमने टू इंटीजर फाइंड करने हैं। सेम डियर स्टूडेंट, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे, 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, सेम उसी तरह का है। अब यहाँ पे हमने पुट कर देना है x की जगह 9 माइनस y का होल स्केयर माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम a माइनस b होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पे 9 का स्केयर माइनस 2 इंटू 9 इंटू y, और यहाँ पे प्लस y स्केयर माइनस y स्केयर यहाँ पे 9। अब जो चीज़ें बची हैं वो लिखेंगे आप, 9 का स्केयर आ जाएगा 81 माइनस 9 और 2 18y प्लस y स्केयर माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट प्लस y स्केयर माइनस y स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचना है 18y इज इक्वल टू 9 माइनस 81, 81 प्लस है तो इस साइड पे माइनस होगा, तो माइनस 18y 9 माइनस 80 माइनस 72 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू 72 और 18 18 1 और 18 4 72। ये हमें y की वैल्यू मिली। अब जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4 पुट इन 1। अब गिवन इक्वेशन 1 जो है x प्लस y इज इक्वल टू 9, अब हम इसमें y की जगह पुट करेंगे 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 है प्लस 4 है माइनस 4 होगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 5। तो जो सॉल्यूशन सेट बना कोऑर्डिनेट x और y की फॉर्म में आने थे तो वो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है सेम कंडीशन के साथ है, तो ये आप ट्राई करेंगे, अगर मसला किसी के आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 2 फाइनल जा रहा है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या चीज़ होती है जिसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी लेंथ और विड्थ के जो पैरामीटर हैं 80 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो 375 है, तो इसकी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन से पहले आप देखें कि व्हाट इज़ रेक्टेंगल, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ एक रेक्टेंगल है, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो दिस इज़ अ लेंथ, अगर ये इसकी लेंथ है एक्स और वाई विड्थ है यानी आमने सामने वाली साइडें इक्वल हैं, तो ये भी एक्स होगी और ये वाई होगी, यानी ये दो साइडें एक्स की और ये वाई की। अब डियर स्टूडेंट जो हम पैरामीटर करते हैं, तो जो रेक्टेंगल के पैरामीटर फाइंड करते हैं, तो पैरामीटर का डियर स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो है 2
इंटू एक्स प्लस वाई, यानी टू है यानी x प्लस वाई। अगर हम इसको और से देखें यानी चारों साइडों को प्लस किया जाता है, ये फार्मूला इसको साल वैसे किया जाता है, x फिर प्लस y फिर प्लस x फिर प्लस y। आप ऐड करें x और x 2x, y और y 2y। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो x प्लस y। और इसका अगर आप एरिया की बात करें, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल का जो एरिया है, कि हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो जो डी स्टूडेंट एरिया है तो वो हमने लेंथ मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, विड्थ के साथ। तो आप इसका इस तरह फार्मूला याद रख लें कि पैरामीटर जो रेक्टेंगल के हैं वो हम इस तरह याद रख सकते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला आपने। और इसका लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी एक्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से। फ़र्ज करें यहाँ पर वैल्यू 3 है, ये 6 है, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे 3 × 6 विच इज़ 18। ये कुछ कंसेप्ट थे। तो डियर स्टूडेंट ये कंसेप्ट हैं, तो ये आपने क्वेश्चन में नहीं शामिल करने, ये आपने सिर्फ अच्छी तरह याद रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स लूँगा और मैं लेट कर लूँगा विड्थ जो रेक्टेंगल की विड्थ है, तो उसको मैंने लेट कर लिया वाई। अब इसके मैंने फाइंड करने हैं पैरामीटर। क्या फाइंड करना है? पैरामीटर। अब डियर स्टूडेंट जो इसके पैरामीटर हैं, अब पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 जो इसकी लेंथ प्लस विड्थ थी, इसके पैरामीटर की अगर आप बात करें तो जो पैरामीटर बनते हैं वो कहता है कि दिस इज 80 सेंटीमीटर, यानी लेंथ इसकी एक्स है, विड्थ जो इसकी है वाई, तो ये किसके इक्वल है 80 सेंटीमीटर के। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेट पे होगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई 80, 2 डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई 80 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 40। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसके हम एरिया की बात करें तो ये इसके एरिया जो बनेगा, एरिया एक्स वाई इज इक्वल टू 375। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे फ्रॉम 1। तो डियर स्टूडेंट इक्वेशन जो 1 है उसमें है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो ये 40 उस साइड पे माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, पुट 2 के अंदर अगर आप पुट करें इसमें, ये देखें तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 375। मल्टीप्लाई करें 40 वाई, 40 को वाई से, फिर वाई को वाई से इज इक्वल टू 375। अब ये जो है माइनस है उस साइड पे लेके जाते हैं प्लस वाई स्केयर, प्लस 40 है तो माइनस 40 वाई प्लस 375 यहीं पे रहा इक्वल टू दिया। सुन जस्ट हमने क्या किया है, ये वाली उस साइड पे लेके। अब इसके अपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर ऐसे बनाएंगे प्लस माइनस करें 40 आए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करें 375 आ जाए। तो अब वाई स्केयर इसका बनेंगे माइनस 25 माइनस 15 प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने पहले लेना है y कॉमन। अब जब y कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन लें, y माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हैं तो ये लिखेंगे आप वन टाइम, तो स्टूडेंट्स ये आपके सेम हैं y माइनस 25, ये लिखेंगे y माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर
15 को तो ये बन जाएगा 25 और फिर y इज इक्वल टू 15। ये y की टू वैल्यूज़ मिली हमें, y इज इक्वल टू 20y और y इज इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे आपको x की वैल्यू मिलेंगी। 1 है इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 40। y की जगह आप 25 पुट करें, x प्लस 25 इज इक्वल टू 40 और फिर y की जगह आप 15 पुट करें, x प्लस 15 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 25, माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, और x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 करेंगे तो x इज इक्वल टू 25, दोनों का सेम आंसर आया। तो ये डियर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.8 का सलूशन किया, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 का एंड हुआ। हमने चैप्टर नंबर 2 डिटेल के साथ पढ़ा, उसकी एग्जाम्पलें की, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन किए, प्रूव किए। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 2 के जितने हमने लेक्चर किए चैप्टर नंबर 2 के आपको पसंद आए होंगे। तो आप तरतीब से अगर लेक्चर सीरीज़ देखना चाहते हैं, पहले चैप्टर 1 की फिर 2 की, तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ है, चैप्टर नंबर 2 की है। डियर स्टूडेंट हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, आपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इस तरह आपके क्वेश्चन जितने हैं सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। किसी किस्म का मसला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे और डिटेल के साथ एक्सरसाइजें करेंगे। उसमें डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ेंगे, इनवर्स वेरिएशन पढ़ेंगे, जॉइंट वेरिएशन पढ़ेंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो पढ़ेंगे, मीन प्रोपोर्शन और उसके बाद एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और उसके बाद कंपोनेंडो डिवाइडेंडो और के मेथड को इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 है उसकी हम लेक्चर सीरीज बनाएंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है लेक्चर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।